हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हैंड क्लॉथ के बारे में बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो मैं आप लोगों को बेसिक्स के बारे में बताऊंगा हैंड क्लॉथ किस तरीके से यूज़ करते हैं और जो इसके मेन पैरामीटर्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो ये एक मेरा छोटा सा सीन है जो क्रिएट कर रहा हूँ। एक स्पेयर है और एक पॉली प्लेन है। इस पर हम लोग आज कुछ पैरामीटर्स को देखेंगे। सबसे पहले मैं अपने सीन को इस तरीके से क्रिएट कर लेता हूँ। ये हमने 10 यूनिट पे सेट कर दिया। अब इस पर हैंड क्लॉथ हम लोग लगाएंगे। हैंड क्लॉथ के अंदर जाके हैंड क्लॉथ क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद हमारे जो मेन सेटिंग होती है टाइमलाइन की, जो हम लोग सेट करते हैं, प्लेबैक स्पीड जो होता है पर फ्रेम रहता है हमारा। ये देखिए, जब हम लोग प्ले करेंगे तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जो स्पेयर रखा हुआ है, उससे कोलाइड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा एक कमांड होता है क्रिएट पैसिव कोलाइडर, इसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो मैंने तीनों बॉल्स पे, जो तीनों स्पेयर हैं, इस पर मैंने कोलाइडर लगा दिया। यहाँ पे देखिए आउटलाइनर में तीन कोलाइडर हो गए। अब ये देखिए क्लॉथ जो है इंट्रैक्ट हो रहा है हमारा जो स्पेयर है इसके साथ, अब हमारा कोलिजन हो रहा है। दोस्तों, सबसे पहले हमारा इम्पोर्टेंट जो होता है, मेन आता है हमारा सीन की स्केलिंग। जब हम क्लॉथ को यूज़ करते हैं तो क्लॉथ बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा क्रिएट होता है वो मीटर में क्रिएट होता है। जो भी हमारा यहाँ सीन पे दिखता है वो मीटर में क्लॉथ अपना काउंट करता है। पहले हम लोग यहाँ से चेक कर लेते हैं, ये जो हमारा मेजरमेंट टूल है, देखते हैं ये हमारा कितने हाइट पर है। ऑलमोस्ट हमारा 10 यूनिट्स का ये आ रहा है। अब हम लोग इसको चेक करेंगे कि 10 यूनिट्स हमारा जो यहाँ पे, हम लोग वैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है यूनिट्स में हम लोग काउंट करते हैं। अब हम लोग सीन को चेक करेंगे कि ये जो हमने सीन क्रिएट किया है वो सेंटीमीटर में है या मीटर में है। प्रेफरेंस से चेक करेंगे, ये प्रेफरेंस जो है हमारा, प्रेफरेंसेस के अंदर जाएंगे और सेटिंग जो है, ये देखिए जो हमारा सीन है वो सेंटीमीटर में बना हुआ है। तो ये हमारा 10 सेंटीमीटर का जो है, 10 सेंटीमीटर से हमारा क्लॉथ नीचे की तरफ आ रहा है। बट बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा क्लॉथ होता है वो क्रिएट होता है मीटर में। जब तक इसकी एक्चुअल सेटिंग नहीं करते हैं, हमें अचीव नहीं होता है। न्यूक्लियस में हम लोग चेक करेंगे, एक हमारा पैरामीटर होता है स्केल एट्रीब्यूट। स्पेस स्केल जो है 1 है, इसका मतलब जो हमारा क्लॉथ है वो मीटर में काउंट हो रहा है इस टाइम 1। तो हम लोग जैसे मान लीजिए हमने कोई भी सीन क्रिएट किया तो हम मीटर के अकॉर्डिंग नहीं सीन को क्रिएट किए, उसके बाद हमें चेंजेस करना है और हमें स्केल स्पेस जो स्पेस स्केलिंग है वही रखने हैं। तो हम लोग स्पेस स्केलिंग यहाँ से हम लोग इसको प्ले करते हैं। तो हम लोग इसको 0.1 करेंगे तो ये हमारा जो सीन हो गया सेंटीमीटर में। अब देखिए इसकी स्पीड चेंज हो गई, अब हमारा जो एक्चुअल क्लॉथ की स्पीड है ये है 0.1 रखने पे। उसके बाद हम लोग एक और पैरामीटर से प्ले करते हैं जो ग्रेविटी है। ग्रेविटी को भी हम लोग जो हमारा सीन स्केल है उससे, और ये हमारा ग्रेविटी, इन दोनों से हम जैसे 9.8 हमारी ग्रेविटी होती है बाय डिफ़ॉल्ट। अब इसमें हम 10 जो हमारा सेंटीमीटर में सीन है तो ये 10 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 हमारा जो है ग्रेविटी आएगा। अब इसको हम प्ले करेंगे, ये देखिए सेम रिजल्ट आ रहा है। या तो हम 98 हम रख लें ग्रेविटी की स्पीड, या स्पेस स्केल को 0.1 कर लें, दोनों सेम बात होती है, सेम ही हमारा रिजल्ट आता है। 0.1 या 9.8 को मल्टीप्लाई कर दें 10 से तो हमें सेम ही रिजल्ट मिलता है ग्रेविटी का और स्पेस स्केल का। तो ये इस तरीके से जो हमारा पहला कमांड होता है इसको हम लोग सेट करते हैं अपना स्पेस स्केलिंग, या सीन की स्केलिंग होती है क्लॉथ के लिए। अगर हम स्पेस स्केलिंग को
नहीं सेट करते हैं तो हमारा रिजल्ट जो है वो प्रॉपर नहीं आता है, जो क्लॉथ का बिहेवियर होता है वो एक्चुअल हमें नहीं मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में थिकनेस क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा, ये भी एक हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है थिकनेस। सो थैंक यू दोस्तों।